एनजीटी के आदेश पर बुधवार की रात को जबलपुर जिला प्रशासन ने शहर में लगी तमाम फटाके की दुकानों को हवाला देकर बंद करवा दिया और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान लगाने के निर्देश दिए। अचानक से आए जिला प्रशासन के इस आदेश को लेकर पटाखा व्यापारी सख्ते में आ गए और लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उन्होंने अपनी बात कही, जिनको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक सहित कई नेता कलेक्टर से मिलने पहुंचे, पर कलेक्टर ने भी इन्हें भी एनजीटी के निर्देशों का हवाला देते हुए शहरी क्षेत्र में पटाखा दुकान लगाने से मना कर दिया। कोरोना को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखों पर लगाई है रोक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पटाखों पर रोक लगा दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों के फेफड़े कमजोर हैं और बढ़ता हुआ प्रदूषण कई बीमारियों की वजह बन सकता है, इसलिए पटाखों पर रोक लगा दी गई। और याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि दिल्ली एनसीआर सहित सभी शहरों में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह से बैन कर दिया है। देश के जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है वहां पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दी गई है। बुधवार की रात को अचानक से जिला प्रशासन के दुकान हटाने के आदेश के बाद शहर के तमाम पटाखा व्यापारियों ने भाजपा नेताओं से मदद की आस लगाई, जिसके बाद आज भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर, विधायक अशोक रोहाणी, पूर्व महापौर प्रभात साहू का एक दल कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से मिलने पहुंचा, पर कलेक्टर ने साफ एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए शहरी क्षेत्र में दुकान लगाने को लेकर मनाही दे दी। जबलपुर के पटाखा व्यापारियों को उम्मीद थी कि जब भाजपा का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मुलाकात करेगा तो पटाखा दुकानों को कुछ हद तक राहत मिलेगी, पर एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए जब कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने शहरी क्षेत्र में दुकान लगाने को लेकर मनाही कर दी, जिसके बाद अब पटाखा व्यापारियों के सामने सिर्फ एक रास्ता है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में दुकान लगाने का है। ऐसे में अब पटाखा व्यापारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही दुकान लगानी होगी। हमने कलेक्टर से मुलाकात करना है, कलेक्टर साहब का साफ कहना है कि मेरी ओर से कोई मामला नहीं है, एनजीटी का जो मामला है एनजीटी का और माननीय उच्च न्यायालय का विषय है, इसलिए मेरे तरफ से ना कोई आदेश है, इसलिए जो भी निर्णय होगा एसडीएम स्तर पर लोकल स्टेप उनके क्या करना है वो एसडीएम स्तर पर निर्णय करेंगे, इसलिए हम सब लोग अभी इस बात को शेयर करके एसडीएम के लेवल पर बात करने जा रहे हैं, उसके क्या निकलेगा अभी बताएंगे। अब ऐसे में दुकानें लगेंगी या ग्रामीण क्षेत्र में ही रहेंगी? मैंने क्या बोला, अभी दुकानें नहीं लगेंगी, ये तो साफ साफ आदेश में ये आप सबको दिखाने के लिए है, ये आदेश है। जबलपुर पुअर कंडीशन में है, पकड़ नगर है, ये जबलपुर 3 नंबर पे है। अब ऐसी स्थिति में पिटीशन का मामला उच्च न्यायालय का मामला है, कलेक्टर भी की भी एक मर्यादा है, हम लोगों ने जो रास्ते निकाले हैं उस रास्ते के हिसाब से अभी बातचीत करते हैं, क्या कर सकते हैं लोकल स्तर पर। कलेक्टर का इसमें कोई योगदान नहीं, कलेक्टर ने साफ साफ कहा है कि मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं, आप कोई और विकल्प तो प्रशासन काटो, एक कल के कल का उसको भी ऑर्डर हो गया इसका राज्य सरकार का भी, इसलिए हम लोग ब्यूरो रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट्स।